मुझे एक बात समझ में नहीं है, अगर आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाए तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और नया सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। हमारे देश में माइनॉरिटी के नाम पे सिख, ईसाई, मुसलमान और तमाम है, ठीक है। इसमें से ईसाइयों को चाहिए कि हमें क्रिश्चियन देश बना के दे दिया जाए, इसी भारत में से काट के दे दिया जाए, एक क्रिश्चियन पैस्टर उपेंद्र नाम के व्यक्ति ने कहा था। मुसलमानों की आए दिन मांग उठती रहती है, लेकिन ऑलरेडी वो मांग चुके हैं, ऑलरेडी उनको मिल चुका है, एक इस्लामिक देश बना चुके हैं, दो बना चुके हैं इनफैक्ट, फिर भी चाहिए। सिखों को, कुछ सिखों को खालिस्तान चाहिए, भले ही मांग पाकिस्तान से उठती है लेकिन यहाँ वाले कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर ही देते हैं। अभी आपको हाल ही पता चला निहांगों ने क्या किया। लेकिन हिंदू अगर गलती से बोल दे कि इतनी सारी एट्रोसिटीज प्रताड़ना झेलने के बाद सबको इसी भारत का टुकड़ा चाहिए, लेकिन हमें एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, हमें सेकुलर ही बने रहना पड़ता है, अगर हिंदू गलती से कह देता है कि हमें भी हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमारी भी एक आइडेंटिटी है जहां हम लौट के वापस आते हैं, तो सबको आग लग जाती है, पूरा देश कम्युनल माहौल में एकदम बिल्कुल घुल मिल जाता है, ऐसा लगता है कि कम्युनलिज्म की होली खेली जा रही है, सब एक एक तरफ हो जाते हैं और मिलके हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को कम्युनल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्यों, जब मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन ये लोग मांग रहे थे अपने अपने लिए, अपने अपने मजहबों के हिसाब से देश, तो हम क्या अपने धर्म के हिसाब से एक देश नहीं मांग सकते? मांगना क्या है, जो हमारा है क्या हम उसे घोषित नहीं कर सकते? क्या इन्हें इस बात का डर है कि ये मेजोरिटी में है, अगर इन्होंने मांग कर ली है और ये चाह दिए तो इनका हो जाएगा? शायद इन्हें इस बात का डर है इसलिए इतना हाहाकार मचाते हैं कि इसको होने नहीं देना, किसी भी तरीके से इसको दबा दो बस। तो क्या मुझे नहीं लगता कि इनका डर जो इनके दिमाग में है अभी, इसको रियलिटी में लाने की जरूरत है? मैं बस आपको इशारा कर रहा हूं, थोड़ी यूनिटी दिखाइए, इस चीज को अमल में लाइए और उनके डर को सच साबित करिए। फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम।